युवा यूथ विंग यूथ पावर एक ऐसा शक्ति होता है जो राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र को दिशा बदलने में काफी भूमिका निभाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि रामपुर के मैदान में सैकड़ों की संख्या में युवा सड़क पे आने को मजबूर हैं। हमारे साथ एक युवा है, इनका नाम है रुदल कुमार। कई वर्ष पहले आर्मी का फिजिकल पास किए हुए हैं, इनका एग्जाम नहीं हुआ हो रहा है। इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि इनकी क्या समस्या है, कितना दिन से फौजी की तैयारी करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रुदल कुमार हुआ। अच्छा, आपके साथ क्या परेशानी है? मेरे साथ यही परेशानी है कि हम लोग 2 साल पहले रनिंग निकाल लेते हैं, उसका एग्जाम डेट भी 4 बार दिया गया, 2 बार तो एडमिट कार्ड तक दे दिया गया यारो बुला के, लेकिन अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। अच्छा, एग्जाम को लेकर परेशान है। दूसरी बात, जो हमारे ग्राउंड के युवा है, यदि हम आगे जा ही नहीं रहे तो पीछे वाला युवा कहाँ से पहुंचेंगे? वो उसको भी तो जाना है ना, देश सेवा के लिए वो भी तो है। जो देश में पैदा हो रहा है, किसान का लड़का है, गरीब का लड़का है, उस बच्चा जब पैदा होता है ना और जब बड़ा होता है 5 साल का ना, तो उसको क्या कोई चीज बोलने के लिए नहीं आता, लेकिन ये चीज डायरेक्ट बोलता है कि हमको आर्मी में जाना है। उसको ये समझ नहीं है कि आर्मी में होता क्या, फिर भी बोलता है आर्मी में जाना है। आपकी फिजिकल कब हुई थी? मेरी फिजिकल 2021 में हुई थी, मार्च में, 7 मार्च को। आज तक एग्जाम नहीं लिया गया? नहीं लिया गया है। और यहाँ युवा को देखते हैं, आर्मी वाले बच्चे को, मतलब बहुत मेहनत जोरों से तैयारी कर रहा है, पर ये तो सरासर सरकार ने बहुत ही गलत उनके साथ ना इंसाफ। और डिफेंस लाइन में तो खास करके प्राइवेट तो होना ही नहीं चाहिए 4 साल के लिए, बहुत बहुत ज्यादा गलती किया। काहे कि देखते हैं इतना धूप बरसात तूफान क्या क्या का सामना करना पड़ता है, पर उसके लिए कुछ तो सोचना चाहिए, पर भाई लोग के लिए कुछ नहीं सोचा। ये सरकार तो बहुत बड़ा गलती कर रहा है, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जो देखते हैं, हम 2 साल तैयारी कर रहे हैं, इतना परेशान होते हैं, दर्द को सामना करना पड़ता है, धूप बरसात आदमी का बात सुनना पड़ता है, साला अभी तक कुछ किया नहीं। जो बच्चा फिजिकल का उतना 20 तैयारी करके बाद 2-4 बार फिजिकल देने के बाद 1 बार निकालता है, इतना मेहनत से, इतना मार लाज जूता खाने के बाद, इसके साथ सरकार ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। जो लड़का आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, जिसका फिजिकल मतलब हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, जिनका अभी डेट एक्सपायर हो रहा है, दूसरे 17 साल से 21 साल तक के बोल रहे हैं सरकार, जो जिसका 22 साल पूर गया, 23 साल पूर गया, जिसका मतलब एज एक्सपायर होने वाला हो रहा है, इसके लिए सरकार जिम्मेदारी हो रहे हैं, इसके लिए मतलब उम्र में छूट देना चाहिए। फिर से सरकार एक नई योजना निकाली है अग्निपथ अग्निवीर के नाम से, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये युवाओं का हित है ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि युवा को ये बर्बाद करने वाला है। यदि 4 साल के लिए आप हमको आर्मी बना दे रहे हैं, वेपन्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, सारा चीज की ट्रेनिंग देकर उसके बाद हमको निकाल रहे हैं, जब हम घर आएंगे तो हम जाएंगे किसी के यहाँ, जाएंगे तसला उठाएंगे, ईटा उठाएंगे, आर्मी साथ हम ये उठा सकते हैं कि कटोरा लेकर भीख मांगेंगे? कुछ तो करेंगे। तो जब ट्रेनिंग मेरा हथियार चलन एक होगा तो घर में बैठ के थोड़ी जाएंगे किसी के ईटा जोड़ने, ये तो कर नहीं सकते। यदि ट्रेनिंग हमको हथियार चलाने के मिला तो वही ना करेंगे। सरकार अग्निपथ अग्निवीर योजना जो निकाली है मोदी जी, 4 साल नौकरी करवाएगा फिर बाहर निकाल देगा 12 लाख रुपया दे करके, अगर उस युवा को ड्यूटी के दौरान मौत होती है, आतंकी हमला होती है, उसके बाद उनके परिजन को सरकार 50 लाख रुपया देगी, ये तो उसके लिए बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। 50 लाख क्या होगा, वो तो जिंदगी से एकदम चल ही जाता है, 50 लाख क्या उसके लिए कुछ भी नहीं है, 50 करोड़ कुछ लिए कुछ भी नहीं है, जो उसका सब कुछ मिलता पहले मिलता था वो कुछ नहीं था, अब जो 50 लाख रुपया मिले वो क्या होगा उसके लिए। और बेरोजगार जो 4000 कितना मेहनत करके 4 साल के बाद वो रिटायर होने के बाद क्या करेगा, बेरोजगार घूमेगा क्या? उसके लिए बहुत बहुत ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं आप लोग। देखिए, सरकार 12 लाख दे, 25 लाख दे, ऐसा इससे कोई लेना देना है नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जब बंदा 15 साल के लिए जा रहा था तब भी अच्छा था, ये जो PF होता है ये सब थ्रू कटता है पैसा, तो आधा पैसा तो मेरा ही है। जब आप 30,000 सैलरी दे रहे हैं तो उसमें हमको एक ही सी मिल रहा है, उसमें से 9,000 रुपया कट रहा है, 9,000 सरकार दे रही है, यही 18,000 हो गया, कुछ पैसा उसका ब्याज होता है, उसको जोड़ के आप हमको दे रहे हैं। हम यदि 15 साल जॉब करते फिर भी वो मेरे को पैसा मिलता, वो उस हिसाब से करके फिर भी मिलता। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो हमको दिखा रहे हैं कि 12 लाख रुपया दे रहे हैं, सांसद विधायक को क्या दे रहे हैं? एक बार चुनाव जीत गया तो 35,000 का उसका शुरू हो जाता है पेंशन,
दोबारा जीत गया, फिर जोड़ दीजिए 35,000। सांसद विधायक से जीता वो भी मिलता है, सांसद से जीता वो भी मिलता, मुख्यमंत्री बन जाए उसका भी मिलता, और हम लोग देश सेवा के लिए जा रहे हैं सर। गोली खाए हम, घर में बैठ के चिल्लाइएगा आप देशभक्त हैं, बड़का देशभक्त हैं, गोली खाने के लिए जवान तैयार है बॉर्डर पे, अंदर बैठ के देशभक्ति का राग आप लाप रहे हैं। क्या है ये सर, युवाओं के साथ खिलवाड़ है। आर्मी के जो है बहाली में एक साल पहले फिजिकल सरकार लेती है, अभी तक एग्जाम नहीं लिया है, इसीलिए तो मतलब सब बच्चा को जिसका एक्सपायर है जो रहा वो मतलब उतर रहे हैं, मतलब रोड पे उतर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं। हमसे मतलब सरकार से निवेदन है, जिसका मतलब मेडिकल हो चुका है, जिसका आर्मी का पूरा लगभग प्रोसेस चालू हो मतलब हो चुका है, उसके लिए मतलब वो मतलब उनके लिए मतलब एग्जाम ले और बच्चा को भर्ती ले। क्या कहेंगे सरकार से, क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार को यही कहेंगे कि अपना नियम में बदलाव करे, जो पहले का भर्ती प्रक्रिया था उसको लागू करे, नहीं तो 4 साल के लिए ले रहे हैं। ये मेरा ही एक विचार नहीं है, ये पूरा देश का विचार है, काहे कि कोई भी इस तरह से नहीं करेगा, नहीं तो सरकार राज्य सरकार उसको तय करे कि यदि देश से लड़का आ रहा है, बिहार पुलिस हो और अदर जॉब हो, उसमें प्राथमिकता क्या होता है कि मतलब आप यदि 100 सीट है तो उसमें 10 को सीट दे दिया कि चलो यही वाला लड़का आएगा, बाकी जो लड़का वहां से तादाद में निकलेगा अभी 50,000 का मतलब पर 6 महीना में जाएगा, ये 50,000 जो लड़का निकलेगा वहां से मतलब साल में 1 लाख हो जाता है इसका, 1 लाख बच्चा जब निकल रहा है, बिहार सरकार यहाँ साल में बहुत से बहुत 10,000-8,000 वैकेंसी दे रहा है, कहा वही बच्चा को देगा वो जो आर्मी से आएगा, ऐसे वाला जो बच्चा जो अथी कर रहा तैयारी बिहार पुलिस के लिए भी तो कुछ कर रहा है, उसको तो नहीं मिलेगा तब, यदि इसको दे रहा है, इसको दे रहा है नहीं दे रहा उसको मिल रहा, ये बच्चा कहाँ जाएगा? सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे योजना के लिए? सरकार से हम यही कहेंगे कि ये सब हटा दिया जाए, नहीं तो बच्चा कितना सुसाइड कर रहा है ये सब देख रहे हैं, आंख बंद करके सोए हैं आप लोग, क्या बस खाना है, बस बोलना है, 2-4 बार लेट पे आके बोल देते हैं बस हो गया, बस हो जाते हैं, और जो बच्चा बॉर्डर पे लड़ता है धूप बरसात सब कुछ झेलना पड़ता है, गोली तक झेलना पड़ता है, बम खाना पड़ता है, खाना के जगह उसको बम नसीब होता है, और आप लोग तो बस खाते हैं सोते, कम से कम बच्चे के लिए तो सोचिए। अगर सरकार आप लोगों की बात को आप लोगों की मांग को नहीं मानते हैं, फिर आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए सरकार यदि हमारे बात को नहीं मान रहे हैं तो फिर आगे चल के हम लोग रोड पे आएंगे, अभी तो शांतिपूर्ण हम ग्राउंड में रोड पे आएंगे, रोड पे बैठेंगे जाके, जब तक सरकार नहीं माने वहीं पे मर मिटेंगे। कल पूरे बिहार के अलावा पूरे देश में अलग अलग जगह पे युवाओं ने जो सेना में तैयारी करते हैं काफी प्रोटेस्ट किए थे, उग्र थे, काफी आक्रोशित थे आप लोग। देखिए उग्र होना ये अभी अच्छा बात नहीं है, अभी सरकार को हमको मतलब इस तरह समझाना है कि देखिए मेरा बात के समझे पहले सरकार, यदि सरकार नहीं समझ रहा जब किसी हद तक तब जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। देख रहे थे कि रामपुर के मैदान में युवा अपनी दुख दर्द किस तरह से बयां कर रहे थे, जैसा कि आपको पता है कि अग्निपथ अग्निवीर योजना के लेके पूरे देश में युवा विरोध कर रहे हैं लगातार, मैं भी बखरी से दिखा रहा था यहाँ के युवाओं की सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं। अभी भी हमारे डेमोक्रेटिक चरखा को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं हूँ रंजीत, कैमरामैन राहुल कुमार के साथ, धन्यवाद।